हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं। तो आज का वीडियो है वो है एलोवेरा जेल के ऊपर, और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे तीन ब्रांड विच आई हैड यूज एंड विच आई हैव बीन यूजिंग। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो मेरा सबसे पहला पिक है वो है वाओ स्किन साइंस एलोवेरा जेल, एंड ये 99% प्योर एलोवेरा जेल है। सूट्स फॉर ऑल स्किन एंड हेयर टाइप्स, नो पैराबन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, कलर एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। इट कॉस्ट मी अराउंड 299 रुपीज, और इसे मैं पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 सालों में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं लगी। लाइक अगर मुझे सनबर्न हो जाता है या मेरे फेस पे बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है, मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बाल लो से ये ड्राइनेस को हटाता है, फ्रिजीनेस को कम करता है। बाल अगर मैं इसको लगा के धोऊं तो बहुत अच्छे लगते हैं, स्मूथ लगते हैं, और लगाने के बाद बहुत ठंडा ठंडा सा स्किन पे एहसास होता है। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 2020 में क्या हुआ था कि मास्क जब लगाने हम लोगों ने शुरू करे थे तो मेरे यहाँ छोटे 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 दाने आ गए थे। मे बी स्वेटिंग की वजह से आ सकते हैं, गर्मी की वजह से आ सकते हैं, तो भी मैंने ये एलोवेरा जेल लगाया था और मुझे बहुत आराम मिला था। मेरे जो छोटे छोटे बम्स आ रहे थे वो चले गए थे। और इसके अगर मैं टेक्सचर की बात करूं तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्टिकी है। वो नॉर्मल जो एलोवेरा होता है जो हम प्लांट से लेते हैं, एलोवेरा का प्लांट होता है, उससे अगर हम एलोवेरा निकालेंगे वो भी थोड़ा सा स्टिकी होगा। और इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो भी सेम फ्रेग्रेंस है जो एलोवेरा के प्लांट से आती है। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और वाओ का स्किन साइंस का ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो मैं यूज करती हूँ। बाकी उसके अलावा मुझे वाओ के स्किन साइंस के प्रोडक्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते। बट एनीवे, दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो ये फर्स्ट मेरा पिक है, फर्स्ट, और इसे मैं बहुत टाइम से यूज भी कर रही हूँ, 3 साल से यूज कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कि ये मुझे कितना पसंद होगा। तो चलिए मूव करते हैं अब सेकेंड ब्रांड पे। और जो मेरा सेकेंड पिक है वो है अमृतम का एलोवेरा जेल, और ये मुझे पड़ा था अराउंड 449 रुपीज़ का। क्वांटिटी है 150 ग्राम। ये मेरी फर्स्ट परचेज है। और इसकी अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है जैसी रोज पेटल की फ्रेग्रेंस होती है। बहुत ही स्मूदनिंग सी इसकी फ्रेग्रेंस है, और आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हो कि कैसी है। ढंग से देखोगे तो मेरे जो पीछे बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। इतना ट्रांसपेरेंट है ये एलोवेरा जेल, माय गॉड, 100% मतलब ट्रांसपेरेंट है। मतलब वाओ जो है वो 99% है और ये 100% ट्रांसपेरेंट है, और हर टाइप की स्किन के लिए है, बालों के लिए है। बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अमृतन अपनी साइट पे इतना कुछ बढ़ा चढ़ा के क्यों लिख देता है। जब मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि इसकी साइट पे लिखा हुआ था कि दिस एलोवेरा जेल इज मेंट फॉर रिमूवल ऑफ सन टैन एज वेल, मतलब टैन रिमूवर के लिए भी है। बट कोई टैनिंग वैनिंग ये रिमूव नहीं करता, क्योंकि बीइंग एन एविड रनर मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है। मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था कि ये टैनिंग रिमूव कर देगा, बट ऐसा कुछ इसने टैनिंग वैनिंग रिमूव नहीं करी। बाकी और सारे पर्पज़ के लिए ये सही है। लाइक अगर मुझे अपने फेस पे लगाना है, मुझे अपने बालों में लगाना है, या मुझे किसी DIY में मिक्स करना है, उसके लिए ये बेस्ट है। फ्रेग्रेंस बिल्कुल ऊपर है और टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, बट मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली टू चूज बिटवीन वाओ स्किन साइंस एलोवेरा जेल और अमृतम, डेफिनेटली आई विल गो फॉर वाओ, क्योंकि ये 50 रुपीज महंगा भी है और थोड़े से मुझे इसमें इसके फेक प्रॉमिस भी लगे, तो मैं वाओ का ही चूज करूंगी। बट एनीवे, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना थर्ड ब्रांड ऑफ एलोवेरा जेल। सो जो मेरा लास्ट पिक है वो है फॉरेस्ट एसेंशियल का लाइट हाइड्रेटिंग प्योर एलोवेरा जेल। ये मुझे पड़ा था अराउंड 1500 रुपीज का। इसकी क्वांटिटी है सिर्फ 50 ग्राम्स। इसके इंग्रेडिएंट हैं वीट जेम ऑयल, एलोवेरा, अश्वगंधा एंड ग्रिसलिन। बट दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली did nothing। मुझे कुछ इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से नहीं लगा कि मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा नरिशमेंट आ गया है, या मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो गई है, या मेरा जो डैमेज स्किन है वो रिकवर हो गई है या रिपेयर हो गई है।
कुछ नहीं करा इस प्रोडक्ट ने, एंड दिस प्रोडक्ट इज ओनली फॉर स्किन, बालों के लिए नहीं है। इवन ये प्रोडक्ट इतना बकवास है कि ये मेरे सनबर्न हो जाता था उसको भी ठीक नहीं कर पाया। फॉर मी दिस इज अ कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ मनी, एंड मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगी कि इस ब्रांड का एलोवेरा जेल मत लेना, एब्सोल्यूटली कुछ नहीं करता। आई थिंक सनबर्न के लिए तो कुछ नहीं करता, आई डोंट नो अबाउट एक्ने के लिए या ओपन पोर्स के लिए, बट सनबर्न के लिए इसने कुछ नहीं किया। और एक बात मैं इस वीडियो में आप लोगों को और क्लियर करना चाहूंगी कि मुझे टच वुड आज तक एक्ने की और ओपन पोर्स की मुझे कभी भी दिक्कत नहीं रही। और ये जो मैंने एलोवेरा जेल मैंने आपको तीन बताए हैं, मैंने इसीलिए परचेज करे हैं या मैं इन्हें इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ कि मेरे सनबर्न बहुत ज्यादा हो जाता है मेरी स्किन पे। जब मैं रनिंग करके आती हूँ बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है मेरी स्किन पे, तो जब मैं अमृतम का लगाती हूँ या मैं वाओ का एलोवेरा जेल लगाती हूँ तो मेरी स्किन को लगा के बहुत अच्छा लगता है, एक रिफ्रेश सी लगती है स्किन, एक बहुत ठंडा ठंडा सा कूलिंग इफेक्ट मुझे लगता है और सनबर्न भी काफी हद तक कम हो जाता है। सिर्फ फॉरेस्ट एसेंशियल से कुछ नहीं हुआ, बाकी हाँ अमृतम से और वाओ से बहुत मुझे फर्क पड़ा था और पड़ता है, और बालों की भी ड्राइनेस और फिजीनेस ये कम कर देता है। मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रही कि जिन लोगों को एक्ने हैं या जिन लोगों के ओपन पोर्स हैं वो इस एलोवेरा को जेल को यूज करें बिल्कुल कम हो जाएगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे वो चीज़ कभी हुई नहीं। अब जब वो चीज़ मुझे कभी हुई नहीं तो मैं आप लोगों को कैसे बोल दूं कि हाँ इसके ऊपर भी उसने मेरा बड़ा अच्छा काम किया। मेरे सनबर्न के ऊपर और बालों के ऊपर अच्छा काम किया है, रेस्ट मैं कमेंट नहीं कर रही कि एक्ने के ऊपर कैसा काम करेगा या ओपन पोर्स के ऊपर कैसा काम करेगा या फिर यू नो स्ट्रेच मार्क के ऊपर एलोवेरा जेल कैसा काम करेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे थम्स अप दे देना, नहीं अच्छा लगा तो थम्स डाउन दे देना, पर मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और इसी नोट के साथ दिस इज लिली साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।